यह है सुरकंडा देवी टेंपल जो कि धनोल्टी से 4 किलोमीटर पहले है और यहाँ हर साल काफ़ी मात्रा में आते हैं लोगों की धर्म आस्थाओं से जुड़ा हुआ। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सुरकंडा देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर पहाड़ी में। तो दोस्तों ये जो मंदिर है सुरकंडा देवी टेंपल ये है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और इसकी जो है आसपास की जगह जो है कानाताल है, धनोल्टी है और चंबा है घूमने के लिए। और ट्रांसपोर्ट का अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट यहां से जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रांट देहरादून का, और अगर आप बाई ट्रेन सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी देहरादून ही सबसे पास पड़ेगा, और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो देहरादून ऋषिकेश और हरिद्वार से यहाँ रेगुलर बसें चलती हैं। जहाँ से मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है यहाँ के लिए बोलते हैं कद्दू खाल, और यहाँ से आप माता के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, श्रीफल वगैरह चुन्नी जो भी आप ले जाना चाहें यहाँ से मिल सकते हैं आपको। से 2.5 किलोमीटर का लगभग ये ट्रैक है और यहाँ अगर कोई श्रद्धालु अगर ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं पहाड़ी में तो उनके लिए घोड़ों की सुविधा भी उपलब्ध है। 250-300 रुपये में आप देके आप ऊपर यात्रा कर सकते हैं। इसके बीच माह में यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है गंगा दशहरा, और उस टाइम में यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जो माता सती थी उनके जो पिता थे दक्ष वो उनके शादी के लिए खुश नहीं थे कि वो शिवाजी से शादी कर रही हैं, तो माता सती ने अपना आत्मदाह किया था और उनके शरीर के जो है 51 टुकड़े हुए थे। तो जब शिवाजी जब तांडव कर रहे थे तो माता सती की बॉडी को जो है कैलाश पे वापस ले जा रहे थे, तो उनमें से बताते हैं कि जो माता सती का सर था दर्द थी वो जो है यहाँ गिरा था, तब से जो है सुरकंडा देवी टेंपल बना है। अगर आप इस कॉस्ट्यूम में जो है फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 150 से 200 रुपए, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए इस तरह से कुछ फ़ोटो आती है वहाँ पे।